रामजीत सिंह इंसा मानसा से। पूजा जी, मुझे 6 हार्ट अटैक हो चुके हैं, 6 स्टेंट भी डले हैं और 6ठे अटैक में वेंटिलेटर पर पहुंच चुका था। मैं बेहोश था, जगह जगह पर नलकियां लगी हुई थी। आप जी ने प्रसाद भेजा, रातों रात मेरे तक प्रसाद पहुंचाया गया, नलकी के द्वारा मुझे खिलाया गया और प्रसाद जाते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गया, श्वास सही चलने लगे जी। आशीर्वाद बेटा, बहुत सेवा की है आपने। जो सेवा करता है मालिक ऐसे ही संभाल करता है, सुमन करते रहना, मालिक साथ है बेटा। प्रसाद ले और विनोद इंसा यूपी से। पूजा जी, मेरी मम्मी को डॉक्टर ने दिल की बाईपास सर्जरी के लिए बोल दिया था, ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो चुकी थी, समस्त परिवार ने आप जी के चरणों में प्रार्थना की कि बिना ऑपरेशन के ही ठीक कर दो। आप जी ने प्रसाद भेजा और प्रसाद लेने के बाद डॉक्टर को चेक करवाया तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई और जो ऑपरेशन पर खर्च होना था हमने वो सब परमार्थ कर दिया जी। बेटा याद है हमें, आपने वहां बात कही थी, सामने खड़े हो आप लोग, तो यही तो है ना दर्द जकीन। सात संगत जी, जो कच्चा तू हमार दे, खास करके ध्यान नाल देख लो, फिर भी कच्चा तू हमार दे, इन्हों मिल भी लियो, फिर भी मार दो तो फिर कर्मी माड़े हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी का, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। तो बेपरवाह जी का रहमो करम कि मैं मुसला धार बरस रहा, कितने बाईपास सर्जरी, हुण किन्ने डाक्टर बैठे होंगे, बूंदी खाने बाईपास सर्जरी ठीक होंगी है कोई साइंस कहती है गल, पर रूहानियत कहती है बूंदी छोड़ो, वो परम पिता परमात्मा हुक्म कर दे और संत एक निगाह मार दे, कबर चो मुर्दे खड़े हो जाने, था कैंसर की गल है या कोई बीमारी की गल है। पर गल दर्द यकीन तो होना चाहिए ना, सतगुर रहमत देवे, तुसी तौड़े च चप्पल ला दो भी मैं नहीं पवाऊंगा जी, ना जी मैं तो झोली करता ही नहीं, फिर सतगुर की करे। जिन्हों दर्द यकीन वह झोलियां अड लेंदे हन, अड्डन की लोड ही नहीं पैंदी, सतगुर जेबा ही भर देंदा ले जाओ। सो ये सच्चाई है। आशीर्वाद बेटा, उनको कहना सिमरन करते रहे, मालिक ने रहमत की है। आशीर्वाद आशीर्वाद।